हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जो भी मैं रेसिपी बनाऊँ न्यू। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रिंग नमक पारे, जो कि बहुत ही अच्छे बनते हैं और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, देखते ही मन हो जाए खाने का। तो इस बार इस होली आप न्यू तरह से बनाइए, बाकी तो हमेशा हम नमक पारे बनाते हैं एक ही स्टाइल से, तो देखते ही जिस मन हो जाए खाने का। तो चलिए बताती हूँ कैसे बनाया है मैंने। आप देख सकते हैं ये रिंग नमक पारे बहुत ही अच्छे बने हैं और बहुत ही अच्छे लगे, एकदम खस्ता हैं और देख सकते हैं कलर भी कितना अच्छा आया है। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे मैंने बनाया है और इसके लिए क्या क्या मैंने लिया है। तो मैंने ये सारी सामग्री ली है, मैंने 2 बाउल लिया है मैंने यहाँ पे मैदा, और उसके बाद ये मैंने लिया है थोड़ा सा हींग, और ये मैंने लिया है अजवाइन, और ये लिया है मैंने काला जीरा, इसको मंगरेल बोलते हैं, ये घी लिया है मैंने, और ये मैंने तलने के लिए ऑयल लिया है। तो आप देख सकते हैं इतनी सामग्री से हम बनाएंगे। और अजवाइन को हम क्या करेंगे, पहले हाथ पे लेंगे, इसको थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि ये अच्छे से आटे में मिल जाए, इससे एक अच्छी सी खुशबू आती है। तो हम इसे मसल कर रखेंगे और फिर हम जो हमने मैदा लिया है उसके अंदर हम टेस्ट के अनुसार साल्ट ऐड कर देंगे, और साल्ट को हम अच्छे से हाथों से अच्छे से मिलाएंगे ताकि पूरी जगह पे साल्ट अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर हमने जो घी लिया है वो घी हम इसके अंदर डालेंगे, 3 से 4 चम्मच घी डालेंगे, और आगे हम बताएंगे कि किस तरह से रखना है ताकि वो अधिक खस्ता बने हमारी जो नमक पारे हैं। तो आप देख सकते हैं घी को भी अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, और घी डालने से क्या, आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालने से क्या होता है हमारे जो नमक पारे हैं वो बहुत ही खस्ता बनते हैं। तो आप एक बार इस तरह से भी घी डाल के आप बना के देखिए। तो मैंने यहाँ पे पूरा घी डाल दिया है तो, और बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, और वो बाउल छोटा था तो मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया है कि स्पेस कम मिल रहा था मिलाने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह का हो जाना चाहिए मुट्ठी, अगर हम नीचे गिराएं तो टूटना नहीं चाहिए मुट्ठी को। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक डो रेडी करेंगे, और डो हमको मीडियम रेडी करना है, और ना तो हार्ड होना चाहिए ना सॉफ्ट होना चाहिए, मीडियम डो रेडी करके हम रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा डो रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं उस इस तरह का डो रेडी करना। अब हाथ में थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा इसको चिकना करके कवर करके हम रख देंगे। इसको हमें 15 से 20 मिनट रेस्ट करना है, उसके बाद देखिए मैंने ये रेस्ट हो जाने के बाद हमने इसको फिर से हाथों की हेल्प से थोड़ा सा मसल लेना है अच्छे से। तो अच्छे से मैंने ये देखिए मसल लिया है वापस से। अब हम डो से एक लोई लेंगे और इसको हमको बेल लेना है, आप प्लेटफॉर्म पे भी बेल सकते हैं और चकले पे बेल सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल लगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैंने लिया है बेलन, उसमें मैंने घी लगा लिया है, तो इसमें क्या होता है कि वो फिर चिपकेगा नहीं अगर हम उसके बेलन के ऊपर अगर हम घी लगा लेते हैं तो। तो इस तरह से हमें इसको रोल कर लेना है, तो यहाँ पे मैंने रोल कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमको चौकोर शेप देना है, तो हमें चारों तरफ से इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है, अब यहाँ पे हम इसके स्ट्रिप्स कट करेंगे पतले पतले, और इसको जो है आप पूरा अच्छे से काटना है हमें, और पतले पतले करने ताकि हमारे जो रिंग्स हैं उसकी लेयर अच्छे से आए। तो इस तरह से हमें कट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें मैदा भी डस्ट कर देना है ताकि क्या होता है कि चिपके नहीं, एक दूसरे में जो लेयर बनेंगी वो चिपके नहीं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैदे को भी डस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है, अब आप देख सकते हैं ये हमने कर लिया है, कट हो गया। उसके बाद जो है इसमें से हम 5-6 जो हमारे स्ट्रिप्स हैं उसको लेंगे और इस तरह से, और उसके बाद उसको हम फोल्ड करेंगे, रिंग बनाएंगे। और रिंग किस तरह से बनाएंगे अभी आपको मैं दिखाती हूँ, और बहुत ही इजीली बन जाता है और बहुत अच्छे से बन जाता है। तो आप देख सकते हैं मैं आपको इस तरह से एक दोनों कोने को हम इस तरह से कर लेंगे देखिए, और उसको जो है अपोजिट साइड डायरेक्शन में हमें करना है, एक को राइट करना है एक को लेफ़्ट करना है, और लास्ट में जो कोने हैं वहाँ पे थोड़ा सा वाटर लगा के हमें इसको चिपका देना है ताकि जब भी हम फ्राई करें तो खुले नहीं। तो
तो इस तरह से हमें रिंग रेडी कर लेना है। मैं एक दूसरा भी बना के आपको दिखाती हूँ। तो मैं दोबारा भी देखती है, इसमें से मैंने चार पांच लिया है, उसको फिर से इसके कोनों को मैंने देखिए इस तरह से दबा दिया है, इसको भी इस तरह से दबाया मैंने। अब इसको अपोजिट डायरेक्शन में हमको करना है, आप देख सकते हैं, एक को मैं राइट कर रही हूँ, एक को लेफ़्ट कर रही हूँ, और अंतिम छोरों को ला के यहाँ पर मिला के पानी लगा के चिपका दे रहे हैं। इसी तरह से हम सारे रिंग बना के रख लेंगे और उसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो अभी हमारा देखिए ये रिंग रेडी हो गया है और ऑयल भी गर्म हो गया है। तो हमें इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही तलना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो आप उसको लो टू मीडियम पे ही करिएगा। जितना हम इसको अच्छे से टाइम लगा के सेकेंगे उतना ही अच्छा रिंग रेडी होगा, बहुत ही अच्छे नमक पारे बनेंगे हमारे। तो आप देख सकते हैं एक साइड होने के बाद मैंने पलट दिया है, आप देख सकते हैं इसकी परत भी देखिए हल्के हल्के खुल रही है और बहुत ही अच्छा बना है ये, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे अपने जो रिंग नमक पारे हैं उनको रेडी कर लेंगे और देखिए कितने अच्छे और क्रिस्पी बने हैं, आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए मैं अब सर्व करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं मेरे नमक पारे सारे रेडी हो गए हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं। और इस होली आप इस नमक पारे को बनाइए और खिलाइए और खाइए, और गेस्ट लोग भी देखकर पूछेंगे कि कैसे बनाया, तो बहुत ही अच्छे बने हैं। तो अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और फ्रेंड्स फैमिली में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि अगली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी होली।